सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो आज की जो मैंने बनाई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली वीडियो मैंने बनाई है जो नया अकेडमिक सेशन के बच्चे ना 2022-23 के उनके लिए है। देखो गाइस, ये जो वीडियो के अंदर मैं आपको मैसेज दूंगा, आपको ये हर कोई देता होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपको प्यार से और प्रैक्टिकल वे में समझा सकूँ समझाऊँगा। देखो गाइज, अब आपका अकेडमिक सेशन नया स्टार्ट हो रहा है, आप सभी बोर्ड क्लास में हो, तो ट्राई करो कि डेली एक घंटे पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चार घंटे पढ़ो, पाँच घंटे पढ़ो, आप डेली बुक्स को ओपन करो। चाहे आप घर पे आ रहे हो, किताबों को खोलो, चाहे आप 10 मिनट ही पढ़ो, लेकिन आप घर पे आके एक और स्टडी करो, ये हैबिट बना लो। जैसे आप खाना खाते हो ना, वैसे रोज़ाना आके घर पे आके एक बार अपनी बुक्स को खोलो, होमवर्क करने के अलावा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ने के लिए नहीं, हैबिट बनाने के लिए, जिससे आपकी हैबिट रहेगी बुक्स खोलने की। वरना ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं ना, उस टाइम बच्चों पे बर्डन आ जाता है, और जब बर्डन आ जाता है तब अपने सोचते हैं कि 2 दिन और मिल जाए तो मैं फाड़ दूंगा। क्लास 11th का जब आपका एग्ज़ाम हुआ होगा, जब क्लास 9th का एग्ज़ाम हुआ होगा, तब आपको ये बातें याद होगी, आपने भी सोची होगी, मैं भी सोचता हूँ हमेशा। तो मैं वो यही बोलूँगा, ज़्यादा आपको इसके ऊपर भाषण नहीं दूंगा, लेकिन एक ही बात बोलूँगा, एक घंटे पढ़ोगे तो फ़ायदा आपका है और नहीं पढ़ोगे तो नुकसान आपका है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। और ट्यूशन पे जाना पढ़ाई करना नहीं होता, ये बात भी हमेशा ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको मैसेज सही लगा है ज़रूर शेयर करना अपने फैमिली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आसिंग गैप रहो, सेफ रहो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।